बहुत बहुत स्वागत है आपका टायर एक्सपर्ट एडवाइस में। और आज इसकी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा 185/65R15 सिक्योरा ड्राइव ट्यूबलेस टायर, जो कि सबसे बहुत ही बढ़िया टायर है और हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसको जो है 4 स्टार रेटिंग दी है 5 में से, और इसका जो डेसीबल जो साउंड का डेसीबल है वो 8.1 to 9 के बीच में आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये वेट ग्रिप में जो है उसका 1.51 ये है उसका रेटिंग, और ये जो है 71 dB तक का साउंड होता है इसमें, जो कि लो है। और देखिए, QR कोड होता है, इसे आप स्कैन करेंगे तो आपका वारंटी रजिस्ट्रेशन में भी हो जाएगा। और ये जो है, ये आपका कंपनी का बार कोड आता है, हर टायर पे आता है ये सीएट के। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे बढ़िया टायर मुझे लग रहा है आज सीएट सिक्योरा ड्राइव जो है 88H ट्यूबलेस टायर है, जो कि अपना मारुति सुजुकी अर्टिगा और जो है बहुत सारी गाड़ियों में आता है। तो व्हीकल्स की डिटेल्स मैं आपको बायो में दे दूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है, और ये देखिए ब्लॉक पैटर्न का टायर है ये, और जिसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है, ये टायर का जो है डेप्थ है, यानी कि ये यहाँ तक आने पर इसको रिप्लेस कर देना है। ये ड्यूअल ड्यूअल इसके साथ आता है, ड्यूअल लाइंस के साथ। और ये जो है न्यू टायर का जो डाई होता है वो है। और चलिए मैं आपको एक ख़ास बात इसमें बता दूँ, इसमें इनसाइड आउटसाइड आता है, जैसे कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा इस टायर के बारे में आज। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आउटसाइड लिखा गया है और इसमें सेफ्टी वार्निंग्स दी गई हैं, यानी कि टायर को आपको मशीन पर ही फिट करना है। और ये देखिए, ये आउटसाइड यानी कि ये बाहर के हिस्से में आएगा, और जो इनसाइड होगा उस साइड में भी दिया होगा कि वो इनसाइड में फिट होगा। जैसे कि यहाँ पे साइड बॉल्स में आपको दोनों को बता दूँ, ये देखिए सीएट सिक्योरा ड्राइव पैटर्न का नाम भी दिया हुआ है, और ये कंपनी का बार कोड, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो ये बार कोड हर टायर पर आता है। ये देखिए टायर का सीरियल नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर का सीरियल नंबर, और ये ड्यूटी कोड होते हैं इनके। और टायर का साइज़ जो है वो भी साइड वॉल पे मेंशन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टायर का साइड वॉल, यहाँ पे 185/65R15 क्लियरली मेंशनड है। और जैसे कि कंपनी का नाम भी मेंशन है, मैं भी आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे सीएट और ये सिक्योर ड्राइव। चलिए टायर के दूसरे एस्पेक्ट को हम देखते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टायर का साइज़, पैटर्न का नाम 88H और रेडियल टायर जैसे कि दिया गया है, और ट्यूबलेस भी लिखा गया है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा इस टायर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे टायर की सेफ्टी वार्निंग्स के बारे में दिया गया है, ये कि टायर जो है आप कभी अंडर प्रेशर ना रखे, यानी कि आप 30 से प्रेशर कम ना रखे और 35 से प्रेशर ज़्यादा ना रखे। 30 से 35 के बीच में आप प्रेशर रख सकते हैं, और इससे कम होगा तो टायर जो है आपका साइड से चीर जाएगा, और अगर आप ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो टायर बाउंस करेगा। तो मेरी माने तो आप इसमें नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं और 30 से 35 के बीच में प्रेशर रखें। और देखिए यहाँ पे सेफ्टी वार्निंग्स दी गई हैं कि साइड सीरियस इंजरी भी हो सकती है अगर आप ये जो है टायर जो है ढंग से ना चलाएं, और टायर का जो माउंटिंग होता है वो प्रॉपर मशीन्स पर होना चाहिए। अगर आप मशीन पर नहीं करवाएंगे तो टायर का ये जो साइड वॉल है ये क्रैक हो जाएगा, जिससे टायर के चलने में भी दिक्कत होगी और व्हीकल जो है कभी भी इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टायर को जो है फिटर जो है उसको कहिए कि आप टायर मशीन पर ही फिट करवाएं। आजकल तो टायर मशीन पर ही फिट होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस ना हो रहे हो तो जहाँ भी हो रहे हैं उनको कहिए मशीन पर ही फिट करवाएं, वरना फिट ना करवाएं, कहीं और करवाएं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनसाइड लिखा गया है कि ये हिस्सा इनसाइड में जाएगा, जैसे आउटसाइड का मैंने आपको बताया था। और देखिए, जैसे कि अगर टायर में कट हो जाता है, कहीं भी साइड में कट हो जाता है या फिर यहाँ पर किसी भी कोने में कट हो जाता है, तो टायर जो है आपको रिप्लेस करके मिलता है सीएट की तरफ से अंडर अनकंडीशनल वारंटी, तो वो तो मिलता ही है। और अगर आप बीच रास्ते में कहीं फंसे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 15 रिंग साइज़ की जो भी ट्यूब होगी वो आप लगवा दें, इसमें आपको ट्यूब भी फिट करके मिल सकता है। और जैसे कि ट्यूबलेस टायर है, जैसे ये देख ही सकते हैं, तो इसमें ट्यूब नहीं आता है, और इसका मिनिमम एवरेज आपको मिलना चाहिए 50,000 किलोमीटर्स, 50 to 60,000 किलोमीटर्स मिलना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये टफ़ कंडीशंस के लिए बनाया गया है, और ये हाईवे और कच्चे रास्ते दोनों पे ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे बेहतरीन और ख़ास टायर है ये 185/65R15
रेडियल ट्यूबलेस टायर बाय सीएट सिक्योर ड्राइव, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है सीएट की तरफ से। तो ये साइज़ में मैं आपको बता दूँ, माइलेज X3 बोलकर भी एक पैटर्न आता है, उसके बारे में भी मैं रिव्यू करूँगा अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको ये टायर के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जो कि है 2565 R1588H ट्यूबलेस टायर फॉर मारुति सुजुकी अर्टिगा, और बहुत सारी गाड़ियों में आता है, जैसे कि ह्यूंडई वर्ना और भी कुछ व्हीकल्स में आता है। तो मोस्टली आजकल तो ट्रेंड में ये सबसे ज़्यादा चलने वाला टायर है, और ये टायर में माइलेज X3 से ज़्यादा ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। और टायर के वेट के बारे में बात करें तो मैं आपको कहूँ कि ये 3 to 5 kg वेट वो करता है, और ये टायर सबसे बढ़िया और ख़ास टायर सीएट की तरफ से अनकंडीशनल वारंटी में मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने व्हीकल के लिए 185/65 R1588H सीएट सीक्रेट ड्राइव पे स्विच करें, जिससे आपको माइलेज और परफॉर्मेंस में सबसे बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मैं आपको और भी टायर्स के बारे में बताता रहूँगा, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टायर के बारे में जानना है या उसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल उस टायर का रिव्यू दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।